मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, और इसके अलावा सभी सवालों को बता चुके हैं प्रश्नावली 9.1 का। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सवाल दिया क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, मान लीजिए कि एक भूमि है, भूमि तो है ये है, ठीक है, और भूमि के ऊपर जो है क्या है, एक मकान है, ठीक है, और इस मकान पर ना एक जो है क्या, एक संचार मीनार लगी हुई है, यानी कि संचार मीनार का मतलब समझ लीजिए टावर, ठीक है, इस पे एक जो है टावर लगी हुई है। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका जो है क्या है, भवन है, मान लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भवन है और इस पे जो है आपका जो है क्या टावर लगा हुआ है, ठीक है भाई। इसमें त्रिकोणमिति में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जो है डंडा से ही भवन दिखा सकते हैं और एक डंडा से ही, एक लाइन से ही हम लोग मीनार दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मीनार यहाँ पे जो है, जो ये भवन है ना, मान लीजिए कि ये भवन है और भवन की ऊंचाई जो है दिया हुआ है कितना, जो है 20 मीटर, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, ये भवन है, ठीक है, ये आपका भवन है और यहाँ पर जो है मीनार लगी, टावर लगा हुआ है, यानी कि शिखर पर एक जो है संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार का मतलब आप टावर से समझ लीजिए, मोबाइल का टावर, ठीक है ना, संचार मीनार, तो ये जो है मोबाइल का टावर है, ठीक है। कह रहा है कि इसके शिखर के कोण क्रमशः 45 और 30 है, इसके तल और शिखर के कोण, मैंने शिखर का मतलब ये और तल का मतलब ये कोण जो है क्रमशः जो है क्या है 30 और 45 है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है इसका बेस खींच लेते हैं, मान लीजिए कि ये बेस है, ठीक है, हम लोग जो है गणना यहीं से करेंगे, ठीक है ना, मध्य बिंदु वाला से, सेंटर लाइन से, ठीक है। तो ये जो है इसका शिखर है, तो शिखर से जो है इसका कोण कितना है, 30 है, ठीक है भाई, 45 और 30 है, 45 30 का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, 45 और 60 है दोस्तों, यहाँ पे 60 है, ठीक है, तो 45 है और 60 है, तो पहला जो है कोण समझ लीजिए 45 का हो जाएगा, नहीं पहला ये वाला कोण जो है आपका, हाँ इसके बाद से जो है 60 होगा, मैंने इधर जितना बनेगा कोण वह जो है क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये जो है 45 लिखेंगे, ये वाला कोण जो है थोड़ा छोटा होगा ना, ये वाला कोण छोटा होगा, ठीक है, ये वाला कोण जो है क्या होगा, ये वाला कोण छोटा आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे है मकान, ठीक है, मकान ये जो है, ये जो है टावर का जो है पाद यहाँ पे मान लीजिए है, ठीक है, तो ये वाला जो है एंगल छोटा हो जाएगा, 45 डिग्री होगा और ये जो है क्या होगा, 60 डिग्री होगा, मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक 60 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। कह रहा है कि भाई शिखर के उन्नयन कोण जो है क्रमशः जो है क्या है, 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल जो है कितना है, तल से लेना है, तो ये तल है, तो तल 45 है और शिखर क्या है, 60 है, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से लेकर और ये ऊंचाई कितनी है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं हम लोग मीनार की ऊंचाई 6 है, ठीक है, और ये भवन की ऊंचाई हो गया, ठीक है, तो आराम से देखिए ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग इसका बेस ज्ञात कर सकते हैं आराम से, ठीक है, अब बेस ज्ञात कर लेंगे तो आराम से जो है हम लोग टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे, तो इसका सबसे पहले बेस ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है,
और इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे रहेगा बी, और यहाँ पे ये वाला बिंदु रहेगा सी, ठीक है, और ये वाला बिंदु हम लोग रख देते हैं डी, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कौन सा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए समकोण त्रिभुज अगर हम लोग ए बी सी ले रहे हैं, यानी कि ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो है थीटा का मान 45 है, तो इसके हिसाब से लंब हम लोगों को चाहिए और आधार चाहिए। लंब और आधार वाला संबंध अगर हम लोग देखें, लंब और आधार वाला संबंध, तो जो है क्या हो जाएगा, टेन थीटा लेना पड़ेगा, तो टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे कोण हो जाएगा, तो लंब क्या है सी बी है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार हो जाएगा ना, लंब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब जो है टेन 45 के हिसाब से, 45 अंश के हिसाब से सी बी लंब हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो ए बी आधार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सी बी की वैल्यू दिया हुआ है 20, और ए बी का वैल्यू जो है नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है, तो टेन थीटा, टेन थीटा का मान हम लोग भर देंगे, तो टेन यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा 20 बटे ए बी हो जाएगा, होगा। अब टेन 45 अंश का मान रख देंगे, तो टेन 45 अंश का मान आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, एक होता है, तो टेन 45 अंश का मान भर दीजिएगा एक, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 20 बटे ए बी। अब इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो ए बी का एक में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी, अब बराबर ये 20 यहीं पे रहेगा अपने जगह पे, ओके, तो 20 अपने जगह पे रह जाएगा, तो सब मिला के जो है बी ए बी का मान जो है ज्ञात हो गया 20 मीटर, ठीक है, ए बी का मान 20 मीटर, यानी कि ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है भाई। अब ना पता चला कि ये 20 है, नहीं तो पहले से पता चलता तब ना हम लोग इसको इसको बराबर बनाते, ठीक है, तो मान के चलिए कि ये भी 20 है, ठीक है, और ये भी 20 हो गया। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग एक मान लेते हैं, ओके। अब जो है क्या करेंगे, अब हम लोग जो है समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में, ठीक है, अब ले लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो इसका संबंध आ जाएगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण, क्योंकि पाइथागोरस पर में हो या टेन थीटा साइन थीटा जब भी यूज करेंगे तो समकोण त्रिभुज में ही यूज करेंगे, तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी जो है ये संबंध हम लोग लिखेंगे तो जरूर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम लोग अगर झांके तो टेन 60 बराबर लेना पड़ेगा, और टेन 60 बराबर ये हो जाएगा डी बी बटे ए बी, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे टेन ए, टेन थीटा लिख सकते हैं या टेन ए भी लिख सकते हैं, तो टेन टेन थीटा ले लीजिए, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब इस त्रिभुज में देखा जाए तो डी बी अपान ए बी हो जाएगा, डी बी अपान ए बी हो जाएगा, और डी बी की वैल्यू क्या हो गई, तो डी बी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बी सी अ प्लस में सी डी, बी सी अ प्लस में सी डी लिख सकते हैं, और अपान में जो है ए बी लिख सकते हैं, अपान में ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी प्लस सी डी। अब बी सी प्लस सी डी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी की वैल्यू 20 भर देंगे, और सी डी की वैल्यू हम लोग माने हैं यच, तो मीनार की ऊंचाई यच हो गया, ठीक है, अब बटे में हो जाएगा 20, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है ध्यान दीजिए कि
टेन थीटा बराबर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। अब टेन थीटा, थीटा के जगह पे हम लोग जो है थीटा का मान रख देते हैं, तो थीटा का मान जो है यहाँ पे देख सकते हैं 60 लेंगे, तो थीटा का मान यहाँ पे 60 लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस एच अपान 20। ओके, इसमें कोई दिक्कत, और 20 प्लस एच अपान 20 लिख देंगे, और इसको लिख देंगे 10 60। अब 10 60 अंश का मान हम लोग भर देंगे, तो 10 60 अंश का मान होता है दोस्तों 3 बराबर अंडर रूट में 3, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस एच अपान 20। ओके, अब 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो 20 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 20 प्लस एच। ओके, अब ये हो जाएगा 20 प्लस एच। अब जो हम लोग 20 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, बराबर के इधर लाएंगे, इधर एच बचेगा केवल, तो ये जो है हम लोग स्टेप मन में करते हैं, और मन में करने के साथ अब जैसे कि हम लोग पहले ही सोचेंगे कि 20 को इधर लाना है तो इधर क्या बचेगा, एच बचेगा, तो इधर एच लिखेंगे, अब 20 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3, अब माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 20। ओके, माइनस में 20 हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब 20 जो है चाहे तो हम लोग कामन ले सकते हैं, तो 20 कामन ले लेंगे तो अंडर रूट में 3 और माइनस में 1 बच जाएगा, और बराबर लिख देंगे एच। तो एच की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आ गया 20 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, और यही जो है हम लोग मीनार की ऊंचाई माने थे, तो मीनार की ऊंचाई जो है आपका इतना निकल गया, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अतः संचार संचार मीनार की ऊंचाई ऊंचाई 20 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 3 माइनस में 1 मीटर है। ओके, 20 अंडर रूट 3 माइनस में 1 मीटर हो जाएगा इस मीनार की ऊंचाई। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और इसको जो है अधिक से अधिक कमेंट से भी भर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।